करना चाह रहे हिल बैटल कर लोगे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर विलियन की टीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तीन कैल्सन के पास आ चुके हैं, एमबीएम गन को डाउन कर दिया था। न्यू यहाँ पर कमिंग अप सब ग्रेट नॉक्स विद द डीबी हेड एंड डीपी के चलते एक के बाद एक नॉकआउट करने में सक्षम। आज न्यू इज बैक इन द फॉर्म, नियो यहां पर अपनी वापसी कर चुके हैं। क्या बढ़िया यहां पर इन्होंने अपनी डोमिनेशन आज दिखाई है एंड रैंडम स्प्रेज भी आज इनके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। वो देखिए चलती हुए ऐसे कनेक्शंस बनाने की दिखा, नियो को जल्दी से कवर में जाना पड़ेगा एंड बिल्कुल कुछ ऐसा इन्होंने किया। पीछे स्मोक कर देना इज गुड एंड एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। जोनाथन की तरफ डालते नजर, जॉर्ज की तरफ डालते नजर। एमिनम में यही दिक्कत होती है, थोड़ी सी अभी पूरी रिकवरी होनी बाकी है। जॉन यहां पर अभी के लिए डाउन कर दिए जाएंगे एंड जोन भी आ गया, सो रिवाइवल के लिए अब तो थोड़ा सा मुश्किल ही होने वाला है। बट अब ये देखना पड़ेगा कि जॉनी का रिटेलिएशन क्या निकलता है। क्लच गॉड कमिंग अप विद द डीपी, आई वोंट से इट्स अ डीपी जहर बर्स्ट, इट वॉज लाइक फुल डीपी बूम बम। जोन के अंदर आना है अभी 25 सेकंड बाहर, स्मोक किया जरूर है बट लग नहीं रहा कि क्लच गॉड को खुद जॉनी को रिवाइवल मिलने का टाइम मिलेगा बिकॉज ये खुद भी जोन के बाहर है। जल्दी से गाड़ी अंदर बैठ के यहां पर टीएसएम को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। टॉप फोर के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं, गाड़ी का कवर मिला एंड एक अच्छा डिप भी मिल गया। सो टीएसएम एक्चुअली इज होल्डिंग सम डिसेंट एरियाज नाउ एंड माइट गेट अ 15 प्लस किल सेकंड इन दिस टाइम। टीएसएम ये वाले मैच में चिकन लेके जा सकती है, छोटा सा चोक जो हर बार होता है, आई वुड से कि शायद इस बार नहीं होगा क्योंकि एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल है इस बार। एरियाज काफी बढ़िया होल्ड करे, प्रीफायर अच्छे चल रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं। वो कहते हैं सेंटर ऑफ द बैट पर बॉल लग रहा है, सो एवरी टाइम यू ड्राइव द बॉल विल बी आउटसाइड द बाउंड्री एंड व्हाट एक्जैक्टली टीएसएम इज डूइंग। कनेक्शन बन रहे हैं लगातार, जहां पर भी ईडीएस खोल रहे हैं इनको एनिमी स्पॉट कर रहे हैं एंड इनके पीछे कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है बैक क्लियर है, बढ़िया परफॉर्मेंस। टीएसएम इज बैक विद अ बैंग एंड दिस टीएसएम यू गाइस वर एक्सपेक्टिंग एंड देयर यू गो। गॉडल यहां पर अभी के लिए गमला बॉय को डाउन कर देंगे अगर, या फिर नियो आई थिंक गिल को स्पॉट आउट कर सकते हैं। वो देखिए गॉडल के स्मोकी को, कितना छोटा सा कवर था वहां पर, इतनी छोटी सी पीक थी, उसमें भी डैमेज देने का प्रयास किया एंड ये देखिए गमला बॉय कमिंग अप विद अ ग्रेट नॉक। दिस टाइम इट्स गमला बॉय, विल बी एबल टू प्रोवाइड रिवाइवल टू गिल। जी गॉड कमिंग अप विद दैट किल सिक्योर, जो करा था नॉक गमला बॉय ने उसका किल सिक्योर कर दिया जी गॉड ने। रैर आई थिंक इज द ओनली प्लेयर एंड गमला बॉय ये वाला किल तो सिक्योर कर ही लेंगे। सो गिल को भी रिवाइवल यहां पर देना, सामने से स्पॉट आउट कर लेंगे गमला बॉय को। सो टीएसएम के पास यहां पर किल्स भी बढ़िया आ जाएंगे एंड आई थिंक अपनी जो पोजीशन है वो और भी बढ़िया तरीके से ये लोग कवर अप कर पाएंगे। सामने आई थिंक फनबुक की टीम, जो बिलियन की टीम फनाटिक रैप्टर्स के प्लेयर्स है, किल को यहां पर रिवाइवल देना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। बट अगर थोड़ा सा भी नियो ने यहां पर चोक करा, आई थिंक अगर सामने की तरफ सारी नजर चली गई तो गमला बॉय यहां पर दिक्कत देकर चले जाएंगे। ये गमला बॉय को डाउन करना काफी जरूरी है टीएसएम एंटिटी नियो के लिए। गाड़ी लेकर आगे जाना, जी गॉड ने जो मॉली करा उस मॉली से आई थिंक रियल एस डाउन हो गए एंड आई थिंक नाउ इट्स अ टाइम टू विट दिस यू गो। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, नियो कमिंग अप विद सम डीसेंट किल्स एंड स्काउटिंग लेवल ओपी इन द चैट एंड आई थिंक द प्रेडिक्शन विल बी एक्यूरेट, मोर देन 15 किल चिकन डिनर इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड टीएसएम बूम बम ओपी इन द चैट। गाइस ये है टीएसएम, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक में भी कहा था कि जो रिक्वायर्ड है वो देने दो। दिस इज टीएसएम, विंटेज टीएसएम फॉर यू एंड चिकन डिनर यहां पर वापस आ जाएगा। बिग शाउट टू एसटीआर गेमिंग ब्रो, थैंक यू फॉर द 100 रुपीस सुपर चैट, बिग शाउट टू एसटीआर गेमिंग एंड टीएसएम इज बैक विद अ बैंग गाइस। दिस इज व्हाट यू कॉल टोटल डोमिनेशन इन द टी1 लॉबी एंड टीएसएम लुक अप द किल्स दे हैव गॉट गाइस, मजेदार परफॉर्मेंस भाई, मजा आ गया। 16